West Bengal Chief Minister accepts the demands of the protesting junior doctors. She has accepted four demands made by the protesting doctors. CM Mamata Banerjee has announced that the removal of Kolkata Police Commissioner Vineet Goyal. This decision has come after a six-hour-long meeting with the protesting doctors that happened yesterday. She has also announced the removal of the Deputy Commissioner of Kolkata Police North and agents against whom the victim's family has put the allegations of bribery. Although the doctors have welcomed these decisions, they will continue to protest until the promises made by the CM are implemented and fulfilled. Still, one of their demands have not been met so far, which is the removal of the health secretary. Let's in fact now listen into what she has said. जूनियर डॉक्टर का बात सुनने के लिए, लेकिन हमारा पुलिस भी बहुत सारे काम करते हैं। अगर काम करते करते किसी को दो मिनट देर हो जाता है, कोई काम पे अगर थोड़ा गलती हो जाता है तो उसको लेके अगर किसी को गुस्सा है तो गुस्सा निभाने के लिए, गुस्सा निपटाने के लिए हमने कोशिश किया। हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में जो जस्टिस उन्होंने मांगा, हमें कोशिश किया। हमारा पुलिस जो सीपी को हम चेंज करने का फैसला किया है, उनको साथ बात करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उन्होंने भी नहीं चाहते थे जितना उसका खिलाफ में बहुत सारे बात उठाया। उन्होंने भी कहा कि हमारा भी परिवार है, हमारा परिवार को अच्छा नहीं लगता, इसी के लिए हम भी छोड़ने चाहते हैं। उन्होंने खुद डॉक्टर लोग जब मिलने गया था तब उन्होंने बताया। और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का ठीक ठीक पोस्ट है, जैसे डीएमई डीएचई ऐसा नहीं हो सकता है, इसको पैनल करके प्रोसेस करके तभी कर सकता है। तो अभी हम चीफ सेक्रेटरी को बोला है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेकर बात करके इसको अभी आप लोग देखभाल कीजिए, जब प्रोसेस हो जाएगा तब हम देखेंगे। ऐसा ऐसा बात हुआ है, हेल्थ में भी उसको तीन ऑफिसर को ट्रांसफर का बात हटाने के बात किया, लेकिन हम दो मांग लिया, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते। All right, my colleague Renik joins me live on the broadcast. Renik, very good morning to you. And as we can hear and understand that there have been some sighs of relief as far as the deadlock was being considered between the protesting doctors and Mamata Banerjee. But as of now also, the larger demand to remove the health secretary still remains there. And of course, what is exactly the protesting doctors saying after the meeting? We have heard West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee there, but what exactly is the part of the doctors are now responding to after a meeting with the Chief Minister of West Bengal? देखिए, डॉक्टर्स के साथ चीफ मिनिस्टर का ये जो मीटिंग, ये बहुत दिन से ही सब लोग का नजर के ऊपर था। और कल जब मीटिंग कंप्लीट हुआ उसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से जब डिक्लेयर किया गया कि डॉक्टर्स का जो डिमांड था उस डिमांड का मैक्सिमम डिमांड भी पूरा कर दिया गया है। उसी टाइम पर डॉक्टर्स का कहना है कि डॉक्टर्स भी खुशी है कि ममता बनर्जी की तरफ से उन लोगों का जो भी पांच डिमांड था वो पांच डिमांड को सही डिमांड कहा गया है। डॉक्टर्स की तरफ से ये भी कहा गया है कि ममता बनर्जी की तरफ से ये जो उन लोगों का जो डिमांड, ये डिमांड वर्बली एक्सेप्ट किया गया है, मगर जब तक ये डिमांड कंप्लीटली नहीं होगा, जब तक इनको प्रैक्टिकली नहीं किया जाएगा, जब तक इनको रिटेन में गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जाएगा, तब तक डॉक्टर्स का ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और सिर्फ यही नहीं, जो और एक मेन डिमांड है, जो प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी है उनको हटाने का जो डिमांड डॉक्टर्स की तरफ से किया गया था, वो भी जब तक पूरा नहीं होगा तब तक भी ये जो प्रोटेस्ट डॉक्टर्स का ये चलता ही रहेगा। जो हड़ताल हॉस्पिटल में चल रहा है जूनियर डॉक्टर्स का, वो हड़ताल जारी रहेगा। डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा गया है कि ममता बनर्जी की तरफ से सीपी और उसके साथ डीसी नॉर्थ को जो हटा दिया गया है वो एकदम सही डिसीजन है, मगर दूसरी तरफ ये दोनों के अगेंस्ट में एक्शन भी होना चाहिए था, मगर वो एक्शन ममता बनर्जी की तरफ से नहीं लिया गया है। एक तरफ डॉक्टर्स के तरफ से ये जो मीटिंग हुआ है, ये मीटिंग को वेलकम किया जा रहा है, मीटिंग के बारे में अच्छा बोला जा रहा है कि मीटिंग अच्छा तरीके से हुआ,
मगर दूसरी तरफ डॉक्टर बहुत सारी जगह में वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है ममता बनर्जी की बातों में। डॉक्टर की तरफ से ये कहा गया कि कुछ डिमांड माना गया है, कुछ डिमांड नहीं माना गया है, तो जो जो डिमांड नहीं अभी तक माना गया है तो उसको लेकर भी उन लोगों का कहना है, उसको लेकर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और जब तक वो डिमांड फुलफिल नहीं होगा तब तक डॉक्टर्स का ये जो स्ट्राइक, ये जो सीज वर्क, ये कंटिन्यू रहेगा, ऐसा डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.